नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों मैं आपके लिए हाजिर हूँ लेकर के एक टेस्ट सीरीज़। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इनके साथ मैं आपको इन क्वेश्चंस का डिटेल, जो मतलब हर एक ऑप्शन के बारे में मैं बात करूँगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ मेरे इस वीडियो से ज़रूर मिलने वाला है। दोस्तों आप स्टे ट्यून्ड रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों एक गुजारिश करता हूँ कि आप एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जब भी मेरे पास वक्त होता है मैं आपके लिए लेकर के आ जाता हूँ एग्ज़ाम पॉइंट्स, ताकि आप पढ़ें और बढ़ें और दोस्तों आप अपनी सफलता पाएं। दोस्तों सफलता हमारी इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितना प्रयत्न उसके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका काम है लगातार प्रयत्न करना और आप मुझे फॉलो ज़रूर करते रहें, ताकि दोस्तों मैं आप तक अपनी बात और अपने वीडियोज़ को पहुँचा सकूँ। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों ये वीडियो। दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ये तो रात का 2 बज चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपसे भी बात कर रहा था, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। जूठन, दोस्तों एक ये जूठन वर्क है, क्वेश्चन आपका पहला है मेरे इस वीडियो का। जूठन इज अ वर्क बाई ओम प्रकाश वाल्मीकि। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, जो एक दलित राइटर हैं, उन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम है जूठन। और दोस्तों द वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1997, और ये वर्क पब्लिश कब हुआ था, 1997 में, विद ऑटोबायोग्राफिकल टच ऑफ द आथर। तो दोस्तों आथर के ऑटोबायोग्राफिकल टच के साथ, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के ऑटोबायोग्राफिकल टच के साथ ये वर्क पब्लिश हुआ था। और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है, हु ट्रांसलेटेड दिस वर्क इन इंग्लिश। तो दोस्तों इस वर्क को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आपको ये बताना है। जूठन एक वर्क है जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा। वर्क दोस्तों ये 1997 में पब्लिश हुआ था। ये एक दलित साहित्य, यानी कि जो दलित लिटरेचर है उस पर लिखा गया एक बेहतरीन वर्क है, बहुत ही बैड कंडीशन को दिखाने वाला वर्क है। ऑटोबायोग्राफिकल टच मिलता है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन का एक्सट्रैक्ट मिलता है। तो ये दोस्तों वर्क, इस वर्क को किसने ट्रांसलेट किया था, आपको ये आंसर देना है। तो दोस्तों चलिए आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अरुण देसाई, ऑप्शन बी मनोहर मित्रा, ऑप्शन सी अरुण प्रभा मुखर्जी और ऑप्शन डी मैथ्यू लेनिन। दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप राइट आंसर दें। वीडियो को पॉज कर सकते हैं राइट आंसर देने के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो मैं आपको बता दूं, वो है अरुण प्रभा मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अरुण प्रभा मुखर्जी ने जी ने इस वर्क जूठन को ट्रांसलेट किया था। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, फ्लार्फ पोएट्री। दोस्तों आपको ये जो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे टर्म, ऐसे लिटरेचर की जानकारी आपको बहुत ही कम लोग देते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसे मीडियम समझते हैं कि वो मीडियम समझें कि अपना प्रचार कर सकें। लेकिन दोस्तों मैं प्रचार के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप तक कुछ बात भी अच्छी पहुँचती रहे। तो फ्लार्फ पोएट्री के बारे में है दोस्तों, फ्लार पोएट्री वाज एवेंट गार्डे पोएट्री। दोस्तों जो फ्लार पोएट्री है, जिसे हम एवेंट गार्डे पोएट्री के नाम से भी जानते हैं, मूवमेंट ऑफ 21st century, हु क्वाइंड दिस टर्म। तो दोस्तों इस टर्म को क्वाइन किसने किया, फ्लार पोएट्री को। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दूँ कि जो फ्लार पोएट्री है, जिसे हम बोलते हैं ना कि ईमेल पोएट्री, क्योंकि आप डिजिटल ज़माने में जी रहे हैं, और डिजिटल ज़माने में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार इस फ्लार पोएट्री के बारे में ज़रूर देख लें कि क्या है ये, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स पर आप मुझे बता देंगे कि फ्लार पोएट्री है क्या डिटेल्ड में। लेकिन मैं यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों, एवेंट गार्ड का मतलब होता है एडवांस गार्ड, और ये फ्रेंच वर्ड है एवेंट गार्ड, दोस्तों एडवांस गार्ड इसका मतलब होता है। और ये जो मूवमेंट है 21st century का था फ्लार पोएट्री, और इस टर्म को क्वाइन किसने किया। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है जॉर्डन डेविस, बी है नाडा गॉर्डन, सी है गैरी सुलेन, और डी है दोस्तों रॉड स्मिथ। तो दोस्तों आपको राइट आंसर देना है कि फ्लार पोएट्री टर्म किसने क्वाइन किया। दोस्तों वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये जो ऑप्शन सी है गैरी सुलेन। दोस्तों गैरी सुलेन ने इस टर्म को क्वाइन किया था, फ्लार पोएट्री को। अगले दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें हमारे,
ये है हु वाज प्रमोटर ऑफ ब्लैक आर्ट मूवमेंट। दोस्तों ब्लैक आर्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लैक आर्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। तो दोस्तों इसको किसने प्रमोट किया था इस मूवमेंट को, आपके सामने ऑप्शन है निक्की जियोनी, अमीरी बराका, फिर दोस्तों सोनिया संचेज और डी है आपका हाकी मधुबंती। तो दोस्तों मधुबंती, ये दोस्तों आप देखें आपके चार ऑप्शन है निक्की जियोनी, अमीरी बराका, सानिया संचेज और हाकी मधुबंती। तो दोस्तों इनमें से किसने इस टर्म को मतलब प्रमोट किया, ब्लैक आर्ट मूवमेंट को किसने प्रमोट किया। दोस्तों मैं आपको राइट आंसर बताना चाहूँगा, व्हाट इज़ द राइट आंसर दिस वन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमीरी बराका। अमीरी बराका ने ब्लैक आर्ट मूवमेंट को दोस्तों क्या किया, प्रमोट किया था। अगला क्वेश्चन देखें, हु इज एसोसिएटेड विद दादा मूवमेंट। दोस्तों दादा मूवमेंट के साथ कौन एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए ये चार ऑप्शंस हैं, एंड्री ब्रेटन, ऑप्शन बी ट्रिस्टन टजारा, ऑप्शन सी ह्यूगो बाल और ऑप्शन डी है ऑल दी एबव। तो दोस्तों इसमें से कौन सा राइट आंसर है, अगर आपको पता है तो आपने ज़रूर रिस्पॉन्स किया होगा। और आपको दोस्तों देखना यह है कि मैंने इतने क्वेश्चन जो मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जैक्टली बनने वाले हैं आपके NTA नेट एग्जाम में। तो दोस्तों देखें मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, दोस्तों ऑल दी एबव इसका राइट आंसर है। क्या है वो, ऑल दी एबव इसका राइट आंसर है, यानी डी, यानी ह्यूगो बाल, ट्रिस्टन टजारा, एंड्री ब्रेटन, ये सारे लोग आपके किससे रिलेटेड हैं दोस्तों, दादा मूवमेंट से। अगले दोस्तों पॉइंट को देखें, अर्बन गे और गे फ्रेंडली लेफ्टिस्ट पोएट्स। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि अर्बन गे और गे फ्रेंडली लेफ्टिस्ट पोएट राइटर्स एंड पेंटर्स ऑफ 1960s नोन एज। तो दोस्तों जो अर्बन गे और गे फ्रेंडली जो लेफ्टिस्ट पोएट्स थे या राइटर्स थे या फिर आप कहें कि पेंटर्स थे, तो ये किससे 1960 के दौरान, तो दोस्तों किससे कैसे जाने जाते थे, किस नाम से। ऑप्शन है आपके सामने ए दोस्तों न्यूयॉर्क स्कूल, बी आपके सामने है न्यू स्कूल, सी आपके सामने है ऑक्सफोर्ड स्कूल और डी ऑल दी एबव। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर कौन सा है आप बताएंगे मुझे, कि जो अर्बन गे और ग्रे फ्रेंडली लेफ्टिस्ट पोएट थे तो वो किस नाम से जाने जाते थे 1960 के दौरान। तो दोस्तों ये आप देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जानने को। पहले मैं इसका राइट आंसर बताऊँ, दोस्तों राइट आंसर है ए न्यूयॉर्क स्कूल के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नोट डाउन कर लें दोस्तों कि ये क्या है, दोस्तों अर्बन गे और गे फ्रेंडली जो लेफ्टिस्ट पोएट थे, राइटर्स और पेंटर्स थे, जो 1960 के दौरान काफ़ी फेमस रहे, दोस्तों ये न्यूयॉर्क स्कूल के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पर देखिए न्यूयॉर्क स्कूल के बारे में जानकारी है कि ये अर्बन गे और गे लेफ्टिस्ट पोएट्स थे और दो इसमें राइटर और पेंटर्स का ग्रुप था जो 1960 के दौरान काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। अगले दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, कल्चर एंड सोसाइटी एंड लॉन्ग रेवोल्यूशन आर वर्क्स बाय। तो दोस्तों जो कल्चर एंड सोसाइटी एंड लॉन्ग रेवोल्यूशन ये जो वर्क हैं तो ये किसके द्वारा हैं, दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है रायमंड विलियम्स, बी है स्टुअर्ट हॉल, सी है टेरी इगल्टन और डी है लुइस एल्थुजर। दोस्तों आप आंसर देने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपने आंसर किया होगा, तो कल्चर एंड सोसाइटी, दोस्तों देखें कल्चर एंड सोसाइटी जो ये वर्क है और दूसरा वर्क है द लॉन्ग रेवोल्यूशन, ये वर्क किसके द्वारा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ राइट आंसर, ये है रायमंड विलियम का आंसर। राइट क्या है इसका, रायमंड विलियम्स ने ये वर्क लिखे हैं कल्चर एंड सोसाइटी और द लॉन्ग रेवोल्यूशन। अगले दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, हमारे दीज लाइन्स आर, दोस्तों ये जो लाइन दी हुई है ये कहाँ से हैं, एक्चुअली में आपको बताना है द पाथ ऑफ ग्लोरी लेड बाई टू द ग्रेव। तो दोस्तों ये कहाँ की लाइन है आप हमें बताएंगे। दोस्तों पहला ऑप्शन ए स्काई लार्क, बी एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, सी एडोनिस और डी लेसिडस। तो दोस्तों कौन से किस पोएम की ये लाइन है, आंसर देने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इसका राइट आंसर है एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, द पाथ ऑफ ग्लोरी लेड बाई लेड बट टू द ग्रेव। दोस्तों ये जो थॉमस ग्रे की बहुत बेहतरीन पोएम है एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, ये उसकी लाइन्स है। अगले दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे, क्रिस वॉलेस
स्क्रैब। तो दोस्तों क्रिस वॉरेस स्क्रैब ये कहाँ के ऑथर हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज़। तो दोस्तों कहाँ के हैं ये, आप राइट आंसर करेंगे कि क्रिस वॉरेस स्क्रैब कहाँ के ये दोस्तों ऑथर हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के ये पोएट हैं। दोस्तों राइट आंसर है इसका सी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि क्रिस वॉरेस स्क्रैब कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं एक। अगले दोस्तों क्वेश्चन को देखें, वेमेन किल्ड विद काइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों ये इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आयरनी, बी पन पैराडॉक्स, सी डी नन। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर है, वेमेन किल्ड विद काइंडनेस। तो दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल है, तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है, मैं आपको राइट आंसर बता दूँ, सी इसका राइट आंसर है, ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, पैराडॉक्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके नेट में बनते हैं। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अगला, इसको देखें, व्हाट इज़ दिस सब टाइटल ऑफ अंकल टॉम्स कैबिन। दोस्तों अंकल टॉम्स कैबिन हैरियट बीच स्टो का ये वर्क है। किसका वर्क है दोस्तों, हैरियट बीच स्टो का। दोस्तों ये हैरियट बीच स्टो के द्वारा लिखा गया ये वर्क, जो एक अमेरिकन है उन्होंने लिखा। और दोस्तों ये किसका, इसका सब टाइटल क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है अ मिस्ट्रीज स्टोरी, अ मिस्टीरियस स्टोरी, बी लाइफ एमंग द नोबली, सी लाइफ इन अ विलेज, डी अ प्लेस फॉर ऑल द सेंचुरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आप बताएं मुझे जल्दी से, फटाफट आप अपना रिस्पॉन्स करें, कमेंट बॉक्स पर भी आप दोस्तों लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ अंकल टॉम्स कैबिन। तो दोस्तों जो इसका अंकल टॉम्स कैबिन का सब टाइटल है वो है लाइफ एमंग लोवली, लाइफ एमंग लोवली। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अंकल टॉम्स कैबिन ये एक स्लेव नरेटिव है। विच काइंड ऑफ वर्क दिस इज़ अ स्लेव नरेटिव। और स्लेव नरेटिव में दोस्तों स्लेव्स की जो दास्तान है, स्लेव्स की जो कहानियां हैं, उनको कलेक्ट किया गया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है जूनो एंड पिकॉक। जूनो एंड पिकॉक इज अ ग्रोटेस्क ट्रेजडी बाई। तो दोस्तों जूनो एंड पिकॉक एक ट्रेजडी है और इसको लिखा किसने है आपको बताना है इसका राइट आंसर। दोस्तों पहला ऑप्शन है नूरुद फराह, दूसरा ऑप्शन है बेन ओकरी, तीसरा ऑप्शन है सीनो कैसी और चौथा ऑप्शन है नोल कावर्ड। तो दोस्तों कौन सा इसमें से राइट आंसर है जूनो एंड पिकॉक का, इसको लिखा किसने है। तो दोस्तों ये एक और ये ग्रोटेस्क ट्रेजडी है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको आंसर इसका, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सीनो कैसी ने ये वर्क लिखा है जूनो एंड पिकॉक। और दोस्तों जूनो एंड पिकॉक में मैं आपको बता दूं कि जूनो और पीकॉक ये दोनों कैरेक्टर हैं, जो प्रोटैगनिस्ट है जूनो और ये हीरोइन है दोस्तों पीकॉक। तो दोस्तों ये आपका वर्क है जूनो एंड पीकॉक। अगले दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें हमारे, यूजीन ओनील अमेरिकन ड्रामेटिस्ट जर्नलिस्ट एंड एक्टर। दोस्तों यूजीन ओनील का नाम आपने सुना होगा क्योंकि एक बहुत बेहतरीन ड्रामेटिस्ट हैं, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं, एक जर्नलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, एक एक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं ये। और इन्होंने वर्क लिखा है एक एक्सप्रेशनिस्टिक ट्रेजडी, मतलब जो इस ट्रेजडी है ये कैसी है, ये एक्सप्रेशनिस्टिक नेचर की है। और इस ट्रेजडी का नाम क्या है आपको बताना है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ये चार हैं, मैं पढ़ देता हूँ, बियॉन्ड द होरिजन जो 1920 में आई, एम्परर जोन्स, या डिजायर अंडर द एल्म्स, या हैरी एप। इनमें से कौन सा वर्क है जो अमेरिकन ड्रामाटिस्ट यानी यूजीन ओनील के द्वारा लिखा गया और एक्सप्रेशनिस्टिक ट्रेजडी के रूप में है। दोस्तों मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं, ये है एम्परर जोन्स। एम्परर जोन्स दोस्तों एक्सप्रेशनिस्टिक ट्रेजडी है ये। और जो अदर वर्क यहाँ पर दिए हुए हैं, बियॉन्ड द होरिजन, एम्परर जोन्स, डिजायर द रियल्स और हैरी एप, ये सारे वर्क हैं किसके दोस्तों, ये यूजीन ओनील के सारे वर्क्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनमें से है ये डिजायर अंडर द एल्म्स, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। अगले दोस्तों क्वेश्चन को देखें, इमिनेंट विक्टोरियंस अ कलेक्शन ऑफ फोर बायोग्राफिकल एसे। दोस्तों एक वर्क है जिसका नाम है इमिनेंट विक्टोरियन, इस वर्क का क्या नाम है, इमिनेंट विक्टोरियंस। और इसमें कलेक्शन मिलता है कितना, चार बायोग्राफिकल एसेज का, चार बायोग्राफिकल इसकी जो एसेज हैं उनका एक कलेक्शन है। और ये चार लोगों की बायोग्राफी किसकी किसकी है मैं आपको नाम बता दूं दोस्तों, कि कार्डिनल मैनिंग की, एफ नाइटिंगेल की, थॉमस अर्नोल्ड की एंड जनरल गॉर्डन की। तो दोस्तों इन चार लोगों की, ये किन किन लोगों की,
कार्डिनल मैनिंग, नाइटिंगेल, थॉमस अर्नॉल्ड एंड जनरल गॉर्डन, ये चार लोगों की दोस्तों, चार लोगों के ऊपर बायोग्राफिकल जो एसेज लिखा गया उसका कलेक्शन है। तो दोस्तों ये जो इमिनेंट विक्टोरियंस है लिखा किसके द्वारा गया, हु हैव रिटन दिस वर्क, ये क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों आप आंसर करेंगे, मैं आपको ऑप्शन पढ़ देता हूँ, लव पिकॉक यानी थॉमस लव पिकॉक का ये वर्क है, या फिर बी विलियम जे लॉन्ग का वर्क है, या सी लिटन स्ट्रैची का है, या डी मैथ्यू ग्रेगरी का। तो दोस्तों आप राइट आंसर करेंगे, तुरंत बताएंगे राइट आंसर। दोस्तों मैं आपको बता दूं राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है इसका दोस्तों सी लिटन स्ट्रैची ने इस वर्क को लिखा है, इमिनेंट विक्टोरियंस। दोस्तों अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, हु सेज आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी। दोस्तों आइडियाज अल्टीमेट रियलिटी हैं ये किसने कहा है, ऑप्शन ए दांते, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सोक्रेटिस और ऑप्शन डी मार्क्स। तो दोस्तों किसने कहा है ये कि जो आइडियाज होते हैं वो अल्टीमेट रियलिटी होते हैं। दोस्तों आपको मैं आप राइट आंसर बता दूं कि ये कहा है आइडियाज आर अल्टीमेट रियलिटी, ये कहा है प्लेटो ने। किसने कहा दोस्तों, प्लेटो ने, क्योंकि इन्होंने माइमेसिस का भी इन्होंने टर्म दिया था प्लेटो ने। अगले दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, आर्ट इमिटेट्स नेचर। दोस्तों आर्ट इमिटेट करती है किसको, नेचर को। हु मेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दिया आपके सामने दोस्तों, ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये है प्लेटो इन रिपब्लिक, दोस्तों प्लेटो ने रिपब्लिक में ये बात कही है क्या, या हॉरेस इन आर्ट्स पोएटिका, या जॉनसन इन लाइफ्स ऑफ द पोएट, या एरिस्टोटल इन पोएटिक्स। तो दोस्तों किसने कहा है आर्ट इमिटेट्स नेचर। तो दोस्तों मैं आपको राइट आंसर बता दूं, उम्मीद है आप आंसर आपने किया जरूर होगा, क्वेश्चन को जरूर पढ़ते रहें, आर्ट इमिटेट्स नेचर। तो दोस्तों ये किसका कहा, किसने कहा है ये, तो दोस्तों अरिस्टोटल ने ये बात पोएटिक्स में कही है। पोएटिक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है अरिस्टोटल का, वो डेफिनेशन आप ट्रेजेडी को लेकर के हो, कितने चैप्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि अरिस्टोटल के जो ये वर्क है पोएटिक्स, इसमें कितने पार्ट हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लें आप, हु जस्टिफाइड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द ड्रामेटिक यूनिटीज। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, हु जस्टिफाइड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द ड्रामेटिक यूनिटी। दोस्तों किसने जस्टिफाई किया है शेक्सपियर के वायलेशन, जो ड्रामेटिक यूनिटीज का वायलेशन इन्होंने किया, ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन डिफेंस ऑफ शेक्सपियर, ड्राइडन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ए सी ब्राडली शेक्सपियर एंड ट्रेजडी में, या फिर मैथ्यू अर्नॉल्ड शेक्सपियर पोएम में। तो दोस्तों आप बताएंगे राइट आंसर इसका क्या है, क्योंकि मैं आपको आंसर देने वाला हूँ इसका राइट आंसर क्या है कि किसने जस्टिफाई किया। तो दोस्तों वो है सैमुअल जॉनसन डिफेंस ऑफ शेक्सपियर में, उन्होंने शेक्सपियर के वायलेशन जो ड्रामेटिक यूनिटीज का, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस मैं आपको लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, प्लेस टाइम नोट डाउन कर लें कि ये थ्री यूनिटीज हैं, और अगला है दोस्तों एक्शन, ये तीनों यूनिटीज को दोस्तों फॉलो करना चाहिए एक ड्रामा को, लेकिन इनको वायलेस्ट किया विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन सैमुअल जॉनसन ने उनका डिफेंस किया हुआ है डिफेंस ऑफ शेक्सपियर में। दोस्तों तो इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और मिलूंगा आपसे अगले वीडियोस में, वहां पर फिर हमारी और आपकी बातें होंगी बेहतरीन। और दोस्तों शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि ऐसे वीडियोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, ताकि वो गाइडलाइन पा सकें। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, नमस्कार, शुभरात्रि।